फूडीज़ वेलकम टू माय चैनल टिकल टेस बर्ड्स। आज बनाते हैं मटर की बहुत ही इजी और टेस्टी खस्ता कचौड़ियाँ, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगी चार टिप्स। बहुत ही इजी टिप्स है जिससे कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनेगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टिकल टेस बर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। तो चलिए पहले बना लेते हैं कचौड़ी का आटा। तो इसके लिए हमने लिया एक कप मैदा, उतना ही हमने गेहूँ का आटा लिया है। इसमें डालेंगे नमक, और यहाँ पे आती है हमारी टिप नंबर वन, जिसमें हम डालेंगे डो में अजवाइन। एक टेबलस्पून अजवाइन हमने क्रश करके डाली है। और यहाँ पे ही आती है हमारी टिप नंबर दो भी, हम इसमें डालेंगे दो टेबलस्पून, दो बड़े चम्मच घी, जिससे कि ये कचौड़ी है वो खस्ता बनेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसको इसमें हमको इतना ही पानी डालना है जितना एक टाइट आटा लगाने में लगता है, तो उतना ही पानी हम डालेंगे और एक टाइट आटा बना लेंगे, टाइट डो बना लेंगे। इसको हम ढक के रख देंगे, हमारा आटा बन चुका है, इसको ढक के रख देंगे जब तक हमारा स्टफिंग रेडी नहीं हो जाता। तो चलिए बनाते हैं स्टफिंग। इसके लिए हमने दो टेबलस्पून ऑयल में डाला है जीरा, और इसमें हम डालेंगे 7 से 8 हरी मिर्च। उसको ढक के रखेंगे क्योंकि मिर्ची उड़ती है जब हम तेल में डालते हैं। उसमें हम डालेंगे एक कप मटर, फ्रेश मटर लिए हमने यहाँ पे। अगर आपको चाहिए तो आप फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हो, बट फ्रोज़न मटर को इतना पकाना नहीं होता, वो जल्दी से पक जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 लहसुन, और अब हम इसमें डाला है नमक। फिर से इसको ढक के रख देंगे 1 मिनट तक, ताकि हमारे मटर अच्छे से पक जाए, और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चाट मसाला। चाट मसाला से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है स्टफिंग का। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। थोड़ा सा खुरदुरा पीसना है हमको, ज़्यादा नहीं पीसना है। तो अब हमारा स्टफिंग तो रेडी है। अब हम जो आटा लगाया था वो भी सेट हो गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि आटा सूखा है, तो इसमें घी लगा के हाथों को इसको अच्छे से गूंदना है हमको, और इसके बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे बॉल्स रेडी कर लिया है। अब हम बॉल्स की कटोरी बना लेंगे। कटोरी का शेप का हमको बनाना है। और यहाँ पे आती है मेरी टिप नंबर 3। जो भी स्टफिंग हमने बनाई थी उसका हमको बॉल शेप बनाना है, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो फ्राई करते टाइम बाहर ना आए। इसलिए हमने उसको बॉल शेप में बना के, और वो अच्छे से बैठ भी जाता है हमारे कटोरी के अंदर। इसको अच्छे से बंद करना है हमको, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से बंद करना, ताकि हम जब कचौड़ी फ्राई करेंगे तब स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। इसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पे आती है टिप नंबर 4। अगर आपको आपकी कचौड़ी बहुत ही क्रंची चाहिए, तो हमको इसको बहुत ही स्लो टेम्परेचर पे कुक करना होता है, फ्राई करना होता है। जब मैंने कचौड़ी बनाई थी तो दूसरे दिन भी ये कचौड़ी बहुत ही क्रंची थी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे बहुत देर तक फ्राई किया था। जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमको इसको फ्राई करना है। देखिए अब गोल्डन कलर, बहुत सुंदर गोल्डन कलर आ गया है, मतलब हमारी कचौड़ी रेडी है। और कचौड़ी अधूरी होती है मिर्ची के बिना, तो हम अब कुछ मिर्ची भी तल लेते हैं यहाँ पे। तो इसको सर्व कीजिए मिर्ची के साथ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।